गुड मॉर्निंग बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो नाउन वर्ड की जगह पर यूज़ किया जाता है वो प्रोनाउन होता है। जैसे यहाँ पर कृपा था तो इसकी जगह पर हमने शी और हर को रिप्लेस किया, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रोनाउन्स थे, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एट्सेट्रा, ठीक है। तो इसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी। अब हम इसमें आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रोनाउन, ठीक है। आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, आपको इसमें क्या करना है, एक सुटेबल प्रोनाउन को फिल करना है। तो फर्स्ट है एम ए गर्ल, देखिए एम आया हुआ है और एम के साथ क्या आता है हमेशा आई, ठीक है। नेम इज़ मोना, तो इसमें हम माई लिख सकते हैं, माई नेम इज़ मोना, ओके। बुक्स बिलोंग्स टू, यहाँ देखिए अब बुक्स आया है, एस लगा है पीछे, इसका मतलब है ये प्लूरल में है, तो आपको प्रोनाउन भी प्लूरल में लेना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सूटेबल प्रोनाउन क्या रहेगा, दीज, ठीक है, दीज बुक्स बिलोंग टू मी। नेक्स्ट फिर से बुक्स आ गया, एस आ रहा है पीछे, प्लूरल है तो हमने फिर से दीज का यूज़ किया, दीज बुक्स आर माइन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इज रवि, तो रवि क्या है, सिर्फ एक ही बात हुई है, सिंगुलर पर्सन है और रवि लड़का है, तो इसके लिए हमने ही का यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट कार बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर क्या जाएगा, कार की बात हुई है तो हम किसी कार को इंडिकेट कर रहे हैं, कोई उस कार की तरफ इशारा करके बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, दिस, टी एच आई एस, दिस कार बिलोंग्स टू हिम, ठीक है। हिम किसके लिए आया है, जिसकी ये कार है। कार इज़, तो इसमें देखिए अब क्या आ गया, फिर से दिस यूज़ किया है हमने, दिस कार इज़ हिज। नेक्स्ट है इज़ ए डॉग, डॉग की बात हो रही है, इज़ ए डॉग, तो इट, एंड मैंने क्या बताया था, एनिमल्स के लिए इट आएगा, तो इट इज़ ए डॉग, ओके। चेन बिलोंग्स टू, तो इसकी किसी चीज़ की बात हुई है, चेन, खाली चेन है तो ये दिस आ जाएगा, ठीक है। दिस चेन बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करती है ये चेन, इट इससे बिलोंग करती है। आगे है चेन इज़, चेन कैसी है, दिस, ठीक है, दिस चेन इज़ इट्स, ठीक है, यह इसकी चेन है। तो इसमें क्या किया हमने, कुछ सेंटेंस दिए गए थे उनके अकॉर्डिंग सूटेबल प्रोनाउंस को लिखा है। अब यहाँ देखिए बी पार्ट में, अनसर्किल द फॉलोइंग प्रोनाउंस इन द कन्वर्जेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स तनु एंड मनु, ठीक है। यहाँ पर जो दो बच्चे हैं तनु और मनु आपस में बात कर रहे हैं, तो जो उनकी बातें हैं उनमें कुछ प्रोनाउन का वो यूज़ कर रहे हैं, तो उन पर आपको सर्किल करना है। जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है यू, माई, मी, माई, आई, यू आर, यू, वी, अस, ये सारे क्या हैं, प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इनको अलग फाइंड करना है और उस पर सर्किल लगा देना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ आपको कुछ प्रोनाउन दिए गए हैं, आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे आई, टी, इट, इट से हमने क्या बनाया, इट हैज़ स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। ही से ही इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो इसमें क्या है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट, इसमें बॉय आएगा बेटा, वो मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट है शी, शी का ये क्या करेंगे हम, शी इज़ प्रेटी गर्ल, ठीक है। वी के, वी मीन्स हम होता है, तो वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। यू से क्या बना सकते हो, यू कैन डू इट, ठीक है। तो ये क्या है, आपके सारे प्रोनाउन हैं, ये किसको शो कर रहे हैं, नाउन को ही शो कर रहे हैं, ये नाउन की जगह पर ही आए हुए हैं, ये आपके प्रोनाउन हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा चैप्टर था इसमें हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम क्या, आपको इसको फिल करना है, रीड करना है अच्छे से, और देखना है कि प्रोनाउन का यूज़ हम कैसे करेंगे। अगर सेंटेंस प्लूरल में दिया हुआ है, जो सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल में है, तो उसके साथ हम कैसे यूज़ करेंगे प्रोनाउन का, सिंगुलर में कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे और जो इसकी एक्सरसाइज है उसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे।